हे भगवान, आज तो रात ही हो गई घर पहुंचते पहुंचते। सूर्यास्त हो चुका था और मोहन अपने घर की तरफ चला जा रहा था, तभी उसके सर पर डंडे से हमला होता है, जिससे मोहन आगे की तरफ जाकर गिरता है। वह उठता है तो उसको कुछ बदमाशों ने घेर लिया था। वह सब उस पर हमला कर देते हैं और मोहन को डंडों से मारने लगते हैं। आह आह, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? हा, तूने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमारे मालिक का बिगाड़ा है। मारो सब इसको। सब बदमाश फिर से मोहन को मारना शुरू कर देते हैं। मोहन अब लहूलुहान होकर नीचे गिरकर बेहोश हो चुका था, तभी एक बदमाश एक जलती हुई मशाल लेकर आता है। चलो इसको यहीं पर जिंदा जला देते हैं। वह बदमाश मोहन के ऊपर वह जलती हुई मशाल गिरा देते हैं, लेकिन वह मशाल मोहन के शरीर को छू नहीं पाती और हवा में ही लटक जाती है। ये सब देखकर बदमाश हैरान हो जाते हैं और फिर जोर से हवा चलने लगती है, मशाल बुझ जाती है और वह दूर जाकर गिरती है। इससे पहले कि किसी को भी कुछ समझ आता, वही चुड़ैल वहां पर आ जाती है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह सारे बदमाशों को मारना शुरू कर देती है, किसी का हाथ उखाड़ देती है तो किसी का पैर तोड़ देती है, एक की तो गर्दन ही तोड़ देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भाई को मारो? किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। चुड़ैल अब अपने विकराल रूप में आ गई थी और सब बदमाशों की धुलाई कर रही थी। उसी समय मोहन भी होश में आ जाता है। चुड़ैल को उन बदमाशों को मारता देखकर डर जाता है और वह अपने घर की तरफ जाने के लिए भागता है। वह चुड़ैल मोहन को जाते हुए देख रही थी, वह भी मोहन के पीछे पीछे चलने लगती है। मोहन देखता है कि वह चुड़ैल उसके पीछे पीछे आ रही है। हे भगवान, ये आज क्या हो रहा है? पहले वे बदमाश मुझे मारने लग गए और अब ये चुड़ैल कहां से मेरे पीछे पड़ गई? मोहन और तेजी से दौड़ने लगता है, तभी एक आवाज आती है जिसे सुनकर मोहन के पैर रुक जाते हैं। मोहन भैया, क्या अपनी बहन से नहीं मिलोगे? देखो, मैं मीना। कुछ पल पहले जो मोहन तेजी से भागता हुआ घर जा रहा था, अब उसके पैर वहीं रुक गए थे। वह पीछे मुड़कर देखता है। मैं जानता हूं तो रूप बदलने वाली चुड़ैल है और मेरी बहन की आवाज से मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। हाँ, ये सच है कि आज मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन भैया, कुछ समय तक मैं तुम्हारी बहन मीना थी। क्या? हाँ भैया, मैं सच बोल रही हूँ। याद करो भैया, राखी वाले दिन जब तुम सुबह ही बाजार चले गए थे मिठाई और राखी लाने के लिए, और मैं दिन भर तुम्हारा इंतजार करती रही, और जब शाम होने पर भी तुम नहीं आए, तुम्हें मैं ढूंढती हुई शहर की तरफ जा रही थी। अरे मीना बेटी, मोहन तो हर साल राखी वाले दिन सुबह ही बाजार से सामान ले आता है, क्या वो अभी तक आया नहीं? नहीं काका, देखो ना, शाम होने को आई है और भैया अभी तक नहीं आए। फिर मैं आगे की तरफ चल दी। और तभी कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह मैंने देखा, कुछ बदमाश आपको मार रहे थे, आप जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए थे। फिर उनमें से एक बदमाश ने कुल्हाड़ी उठाई और आपको मारने के लिए आप पर हमला कर दिया, लेकिन तभी मैं बीच में आ गई और उस कुल्हाड़ी ने मेरी जान ले ली। फिर वो बदमाश आपको वहीं छोड़कर मुझे वहां से उठाकर एक खाई में गिराकर आ गए थे। मेरी मृत्यु तो हो गई, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली भैया। और मैं आपसे मिलने के लिए एक बार आपको सही सलामत देखने के लिए इधर से उधर भटकती रही, और आज मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मीना मेरी बहन, मुझे पता नहीं था कि तेरे साथ ये अनहोनी हो गई है, मैं तो तुझे ढूंढता रहता था। लेकिन भैया, वो कौन लोग थे जो तुम्हें राखी वाले दिन मारना चाहते थे? मीना, वो सरपंच के बदमाश थे और मुझसे जबरदस्ती हमारी जमीन हड़पना चाहते थे।
क्योंकि उस जमीन पर वह अपनी दुकान खोलना चाहता था और मेरे मना करने पर उसने मुझे मारा। भैया अब आप चिंता मत करो, मैं आपके सारे दुश्मनों को इस धरती से खत्म करके और आपको सुरक्षित करके ही यहाँ से जाऊंगी। मैं उस सरपंच को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीना मेरी बहन, आज से पहले एक उम्मीद तो थी कि मेरी मीना मुझे एक दिन जरूर मिल जाएगी, लेकिन अब तो वो उम्मीद भी खत्म हो गई। भैया अब मैं आ गई हूँ ना, तुम अब चिंता मत करो। दोनों भाई बहन घर की तरफ चल देते हैं। भैया माँ बापू के जाने के बाद आपने ही दोनों का प्यार मुझे दिया था और मेरे लिए आप रात दिन मेहनत करते थे कि आपकी बहन को कभी कोई तकलीफ ना हो। भैया आपने अपना फर्ज पूरा किया, अब मेरी बारी है। दोनों भाई बहन घर पहुंचकर बातें करते रहते हैं। अब सुबह होने को थी और वह चुड़ैल वहां से जाने लगती है। भैया कल उस सरपंच की आखिरी रात होगी। और वह चुड़ैल वहां से चली जाती है। मोहन भी घर के अंदर आराम करने चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है और मोहन को उसके घर पर होने की खबर सरपंच के पास पहुंच जाती है। सरपंच सीधा मोहन के पास पहुंचता है और उसको वहां से भागने के लिए बोलता है। मोहन तू फिर आ गया, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। सरपंच ये मेरे पिताजी की निशानी है और मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, तू चाहे जो कर ले। सरपंच गुस्से में वहां से चला जाता है। वह अपने बदमाशों के साथ बात कर रहा था, तभी वहां पर एक और बदमाश आ जाता है और जो रात को चुड़ैल की पिटाई से जिंदा बच गया था वह बताता है कि कल रात एक चुड़ैल ने उसको बहुत मारा और बाकी साथियों की जान ही ले ली। सरपंची मुझे लगता है इस मोहन ने किसी चुड़ैल को अपने वश में किया है और अब वो हमको मारने के लिए ही वापस आया है। अच्छा तो इसलिए ये मोहन इतनी बातें कर रहा है, चलो फिर हम भी पहाड़ी वाले अघोरी बाबा के पास चलते हैं। बाबा को इन चुड़ैल और भूतों को अपने वश में करना आता है। सरपंच अघोरी बाबा की गुफा की तरफ चल देता है और कुछ देर में वह वहां पहुंच जाता है। गुफा में पहुंचकर एक अघोरी बाबा को प्रणाम करता है और सारी बात बता देता है। ठीक है सरपंच, मैं इस चुड़ैल को देख लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए बलि का इंतजाम करना होगा मेरी सिद्धि के लिए। हो जाएगा बाबा, आप जब भी आदेश करेंगे। ठीक है, मैं आज रात को वहां पर आता हूँ और उस चुड़ैल को काबू में करता हूँ। रात हो जाती है और सरपंच अपने घर पर बाबा का इंतजार कर रहा था, तभी चुड़ैल वहां पर आ जाती है। वह सरपंच और उसके साथियों को मारने लगती है। एक बदमाश का सर धड़ से उखाड़ कर उसको गिरा देती है। सरपंच हाथ जोड़ने लगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। मुझे छोड़ दो। सरपंच तूने ही मेरी जान ली थी ना, मैं अपनी जान के लिए तो तुझे माफ कर सकती हूँ, लेकिन तूने मेरे देवता जैसे भाई की जान लेने की कोशिश की, इसलिए अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाबा बचाओ, ये चुड़ैल तो मुझे मार ही देती अगर आप सही समय पर नहीं आते। हमको जरा सियाने में क्या देर हुई और तू चुड़ैल मेरे भक्तों को मारने लगी थी, अभी तेरी खबर लेता हूँ।
वह घोरी बाबा ऐसे मंत्र पढ़ता है कि चुड़ैल कुछ भी नहीं कर पाती और वह उस अघोरी के सामने हार गई थी। उसने चुड़ैल को बंदी बना लिया था और उसको एक पेड़ के साथ बांध दिया था। चुड़ैल चीखे जा रही थी और बाबा उस पर अपने मंत्रों से वार कर रहा था। मुझसे टकराने का अंजाम देख लिया तूने? सरपंच, एक जलती हुई मशाल लेकर आओ, मैं अभी इस चुड़ैल को यहीं भस्म कर देता हूँ। सरपंच मशाल लेने के लिए चला जाता है। चुड़ैल अब मोहन का नाम लेकर उसको अपनी मदद के लिए बुलाने लगती है। चुड़ैल बार बार चीख रही थी, मोहन भैया जल्दी से आओ, मोहन भैया मुझे बचाओ, मोहन भैया। बुला ले तू जिसे चाहे, मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। सालों तक तपस्या करके मैंने ये सिद्धियां प्राप्त की हैं। और उधर सरपंच भी जलती हुई मशाल लेकर आ जाता है। चुड़ैल अब उस बाबा की कैद में गिरफ्त हो चुकी थी, जहां पर अब उसके लिए कोई बचने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। सरपंच ने मशाल उस बाबा के हाथ में दे दी। अब वह मशाल लेकर चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी सामने से मोहन अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां आ जाता है। मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मीना, तुम फिक्र मत करना, मैं आ गया हूँ मेरी बहन। मोहन कुल्हाड़ी को छोड़कर मारता है, तो सीधा जाकर सांपी के सीने में लगती है, जिससे वह उसी क्षण नीचे गिर जाता है। और साधु के गिरते ही उसके मंत्र शक्ति से चुड़ैल गिर जाती है। वह सरपंच को पकड़ती है और उसको जान से मार देती है। कुल्हाड़ी का वार साधु भी ज्यादा देर तक नहीं सह पाता और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मीना, तू ठीक तो है ना मेरी बहन? चुड़ैल ने सरपंच को देख लिया। चुड़ैल मोहन से कहती है कि भैया अब तो आपके सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, अब आप अपने घर पर आराम से रहिए, मैं भी चलता हूँ। बोलते ही चुड़ैल वहां से गायब। मीना मेरी बहन, मुझे माफ करना, मैं तुझे बचा नहीं सका, मुझे माफ कर देना। मोहन बहुत ही मेहनती था। सुबह होते ही वह अपने खेतों में काम करने चला जाता था। एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था। हे भगवान, आज कितनी गर्मी है। जोर से हवा चलने लगती है। मोहन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वह समझ गया था कि यह हवा अचानक से कैसे चलने लगी थी। मीना, मैं जानता हूँ कि तू ही है जिसे अपने भाई की इतनी फिक्र है, चल जल्दी से अब मेरे सामने आ जा। क्या भैया, आपको भी कैसे पता चल जाता है? और भला कौन है जो मेरे लिए गर्मी में हवा चला सकता है? इसीलिए तो कहती हूँ भैया कि तुम शादी कर लो, एक बढ़िया सी भाभी आ जाएगी तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। कम से कम तुम्हें घर पहुँचते ही खाना तो तैयार मिलेगा। अभी तो पहले खेतों में इतना काम करते हो, फिर घर जाकर घर का काम करते हो। ठीक है, जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो शादी कर लूंगा। दोनों भाई बहन बातें करते रहते हैं और कुछ देर में वह चुड़ैल यानी मीना वहां से चली जाती है। दोस्तों, अगर आप मीना यानी कि उस चुड़ैल के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका पहला भाग चुड़ैल बहन और भाई का प्यार जरूर देखें। शाम हो गई थी और मोहन अपने घर की तरफ चल दिया था। वह जब घर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। पाँव लागू सुखी चाचा, कैसे हैं आप? और बताइए, आज कैसे आना हुआ? खुश रहो बेटा मोहन, आज तुम्हारे पास आने का एक विशेष कारण है। विशेष कारण? हाँ हाँ सुखी चाचा, आप आदेश दीजिए, यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो। बेटा मोहन, खिचड़ीपुर में मेरे एक पुराने मित्र हैं, उनकी एक बेटी है जो विवाह योग्य हो गई है। कल ही वह मुझसे मिला था और बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में अचानक तुम्हारा ख्याल आया। देखो भाई मोहन, अगर तुम बोलो तो मैं बात आगे चलाऊं।
ठीक है चाचा जी, मैं तैयार हूँ। मोहन के हामी भरने के बाद सुखी काका अपने मित्र के पास जाकर सारी बात बता देता है और मोहन को भी एक दिन खिचड़ीपुर में बुला लेते हैं। मोहन वहां पर माला से मिलता है और सब इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं और एक महीने के बाद की शादी पक्की हो जाती है। मोहन वापस अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। वह एक घर में रुक जाता है और बरसात रुकने पर फिर से अपने घर की तरफ चल देता है। बारिश में रुकने की वजह से आज रात अधिक हो गई थी, लेकिन मोहन आज बहुत खुश था। चलो अब अपनी भी शादी हो जाएगी, ये खबर सुनकर मीना भी कितनी खुश हो जाएगी। मोहन अपनी ही धुन में चला जा रहा था और उसको इस बात की खबर भी नहीं थी कि जंगल में कुछ जंगली जानवर उसका पीछा कर रहे हैं। एक जानवर मोहन के ऊपर हमला कर देता है जिससे वह अपनी बैलगाड़ी से नीचे गिर जाता है और दूसरा जानवर बैल की तरफ बढ़ने लगता है और पहले वाला मोहन की तरफ। अब साक्षात मौत को अपनी तरफ बढ़ता देख मोहन जोर से चिल्लाता है, मीना मीना। उस जंगली जानवर के जबड़े और मोहन में सिर्फ एक हाथ का फासला रह गया था। वह जानवर मोहन के पास पहुंचता है, उससे पहले ही मीना वहां पर पहुंच जाती है और उस जानवर पर करारा हमला करती है जिससे वह दूर जाकर गिरता है। और दूसरा हमला उस जंगली जानवर पर होता है जो बैल को खाने ही वाला था, वह भी चुड़ैल के एक ही वार से चारों खाने चित्त होकर दूर जाकर गिर जाता है। भैया आप ठीक तो हो ना? हाँ मेरी बहन, मैं एकदम ठीक हूँ। और सुन, एक खुशखबरी तुझे देनी है, मैंने अभी तेरी भाभी पसंद कर ली है और अगले महीने ही मेरी शादी है। भैया ये तो बहुत ही खुशी की बात बताई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। और फिर अचानक से मोहन उदास हो जाता है। काश तू भी अपने भाई की शादी में नाच सकती, अपने भाई का सहरा से जाती। हे भगवान, ये तूने अच्छा नहीं किया। भैया अब आप ऐसी बातें मत करो, शायद भगवान की यही मर्जी होगी। अब आप जल्दी से घर की तरफ चलो और फिर अपनी शादी की तैयारी हंसी खुशी से करो। मोहन अपनी बैलगाड़ी में बैठ जाता है और घर की तरफ चलने लगता है। कुछ ही देर में मोहन घर पहुंच जाता है। एक महीने बाद, कल मोहन की शादी थी, आज की रात मोहन अपनी शादी के ख्यालों में खोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ माला के घर वाले भी शादी की तैयारी में व्यस्त थे। माला अपने कमरे में घूम रही थी। ये है जग्गू। कुछ समय पहले जग्गू के घरवाले जग्गू की शादी माला से करना चाहते थे, लेकिन जग्गू एक नंबर का आवारा था, ना तो कोई काम करता था बल्कि सारे बुरे ऐब उसके अंदर थे, जैसे कि दिन भर शराब पीना, गांव वालों से लड़ाई करना, चोरी करना। जग्गू के बारे में ये सब जानकारी होते ही माला के पिता ने उनको शादी के लिए मना कर दिया था। तब से जग्गू माला के परिवार से बदला लेना चाहता था और इसलिए वह आज माला के घर चोरी से आ गया था। माला, तू अगर मेरी ना हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। जग्गू चुपके से घर के अंदर चला जाता है और माला को बेहोश करके उसको उठाकर ले जा रहा था कि सामने माला की माँ जाती है। जग्गू उसको धक्का देकर वहां से भाग जाता है। माला की माँ को होश आता है और वह जग्गू के बारे में बताती है। माला के पिताजी जग्गू को ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं। मोहन भी अब सोने ही जाने वाला था कि वह देखता है कि उसके घर पर कोई आया है। कौन है? मैं हूं मोहन,
हाँ चाचा जी, कहिए इतनी रात कैसे आना हुआ? मोहन, मेरे पास अभी खबर आई है कि कोई बदमाश माला को उठाकर ले गया है। क्या? मैं अभी वहां पर जाता हूँ। मोहन अपनी बैलगाड़ी में बैठकर माला के घर की तरफ चल देता है। घना अंधेरा था। मोहन के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर में वह माला के घर पहुंच जाता है। मोहन को घर पर देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। माला की माँ सारी बातें मोहन को बता देती है। सब जानने के बाद मोहन अपनी बैलगाड़ी पर बैठता है और जग्गू के गांव की तरफ चल देता है। जग्गू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहन अपनी बैलगाड़ी को भगा रहा था और दूसरी तरफ जग्गू ने माला को एक कमरे में बंद कर रखा था। माला अब होश में आ गई थी। जग्गू मुझे छोड़ दे, कल मेरी शादी होने वाली है। इसलिए तो तुझे यहाँ उठाकर लाया हूँ मैं। तेरी शादी यदि होगी तो मेरे साथ होगी, वरना किसी के साथ नहीं होगी। उस घर को चारों तरफ से बदमाशों ने घेर रखा था। वहां पर कोई भी नहीं आ सकता था और यदि कोई आया तो समझो उसकी जान खत्म। मोहन बैलगाड़ी के नीचे उतर गया था और जोर जोर से चीखने लगता है। मीना, मीना, मीना। तभी जोर से हवाएं चलने लगती है और वह चुड़ैल वहां पर आ जाती है। क्या बात है भैया, आप इतनी रात यहाँ पर क्या कर रहे हो? मोहन सारी बात मीना को बता देता है। सब जानने के बाद, भैया आप चिंता ना करें, मैं भाभी को कुछ नहीं होने दूंगी। और वह चुड़ैल वहां से तेजी से चली जाती है। जग्गू के घर के बाहर उसके बदमाश पहरा दे रहे थे। ध्यान से सुनो सब, अगर कोई भी घर के आसपास दिखाई दे तो उसको जान से मार देना। चुड़ैल तेजी से जग्गू के घर की तरफ बढ़ती जा रही थी। जग्गू, तूने मेरी भाभी को उठाकर अपनी मौत को दावत दी है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माला, मेरी बात मान, जो चुपचाप मेरे साथ शादी कर ले। जग्गू माला को धमकियां दे रहा था कि तभी एक बदमाश दरवाजा तोड़ता हुआ घर के अंदर आकर गिरता है। ये क्या, ये किसने किया? जग्गू कमरे से बाहर जाता है तो चुड़ैल का तांडव देखकर उसका सिर घूम जाता है। चुड़ैल जग्गू को सब बदमाशों को मार रही थी। जैसे ही उसकी नजर जग्गू पर पड़ती है, वह उसको भी पकड़कर मारना शुरू कर देती है और तब तक सबको मारती है जब तक कि उनकी जान चली नहीं जाती। तभी मोहन भी वहां पर आ जाता है। भैया, मैंने जग्गू और उसके साथियों को मार दिया, अब आप भाभी को यहां से लेकर जाओ। मोहन माला को वहां से लेकर चल पड़ता है, उसे घर में जाकर छोड़ देता है, फिर वापस अपने घर चल देता है। अगले दिन मोहन की शादी माला के साथ धूमधाम से हो जाती है। चुड़ैल बहन दूर से खड़ी होकर अपने भाई की शादी देख रही थी। एक तांत्रिक एक शमशान घाट में बैठकर हवन कर रहा था। बुरी शक्ति आओ, जल्दी से आओ। तभी वहाँ पर कुछ बुरी शक्तियाँ आ जाती हैं। जाओ उस आदमी को अपने वश में कर लो, जिससे वो मेरे लिए बलि का प्रबंध करे। जाओ जल्दी से। अंधेरा हो जाता है। मोहन शादी के बाद खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी माला भी मोहन के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि मोहन बहुत मेहनती था और माला का ध्यान भी रखता था। माला, आज मैं बाजार जाऊंगा, क्या तुम भी चलोगी? हाँ जी, मैं भी चलूंगी, बड़े दिन हो गए घर से बाहर गए हुए। ठीक है, फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मोहन तैयार होकर माला का इंतजार कर रहा था अपनी बैलगाड़ी पर। कुछ ही देर में माला भी आ जाती है।
मोहन अपनी बैलगाड़ी को बाजार की तरफ घुमा देता है। दोनों बैलगाड़ी में जा रहे थे और दूर से उनको कोई देख रहा था और दूर तक उनके साथ चलते हुए जा रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ अपने भैया को खुश देखकर। भैया तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। मोहन और माला बाजार में पहुंचकर खरीदारी कर रहे थे तभी। नमस्ते जीजी, कैसी हो तुम? पाए लागू जीजाजी। अरे नंदू, तुम यहाँ पर कैसे? मैं नंदू, सबका बंधु। जीजी, मैं तो आपके पास ही आ रहा था, सोचा खाली हाथ बहन के घर कैसे जाऊं, इसलिए बाजार आ गया कोई तोहफा लेने के लिए। चलो तुम भी अब हमारे साथ ही घर चलो। हाँ हाँ जीजी, जरूर आऊंगा मैं आपके घर, लेकिन मुझे बाजार में थोड़ा काम है। आप घर चलिए, मैं भी आपके पीछे पीछे आता हूँ, बस अपनी सवारी पर। ठीक है नंदू। मैं हूँ नंदू, सबका बंधु। मोहन और माला वहाँ से आगे चल पड़ते हैं और नंदू वहीं पर खड़ा होकर उन दोनों को जाते हुए देखता रहता है। मैं हूँ नंदू, सबका बंधु। जीजी और जीजाजी, जल्दी ही आपसे मिलने आता हूँ मैं। मोहन और माला वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। माला, तुमने कभी अपने इस भाई के बारे में तो बताया ही नहीं। ये मेरे दूर के चाचा जी का बेटा है, पिछले साल ही ये हमारे घर आया था, तो इससे तभी पहली बार मिली थी मैं। और ये बड़ा अजीब सा लग रहा था। हाँ, इसको नाटक करने का बड़ा शौक है, इसीलिए ये ऐसा लगता है और इसकी हरकतें भी ऐसी ही होती हैं। वाह माला, ये तो बड़ा ही दिलचस्प किरदार है तुम्हारे परिवार में। देखो जी, खबरदार जो मेरे भाई के ऊपर हंसे। और उधर नंदू भी अपनी सवारी पर माला और मोहन के पीछे पीछे जा रहा था। चल बेटा घोंचू, तू भी जरा अपनी रफ्तार बढ़ा, वो देख उनकी बैलगाड़ी कितनी आगे चली गई है। नंदू अपने गधे के ऊपर बैठकर चला जा रहा था। अबे घोंचू, वो दोनों देख कितनी दूर चले गए हैं, जल्दी चल, जल्दी से उन दोनों का पीछा कर। नंदू माला और मोहन का पीछा कर रहा था और उसको ये सब करते हुए मोहन की चुड़ैल बहन ने देख लिया था। आखिर ये अजीब सा इंसान कौन है जो मेरे भैया और भाभी का पीछा कर रहा है? कहीं उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। चुड़ैल भी नंदू के पीछे पीछे चलने लगती है। अबे घोंचू, तुझे क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा तू? नंदू मोहन और माला के पीछे चल रहा था और वो चुड़ैल नंदू के पीछे चल रही थी। अब सूरज भी ढल रहा था। ये आदमी बड़ी देर से भैया भाभी का पीछा कर रहा है, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही, अभी इसको मजा चखाती हूँ। चुड़ैल ने नंदू को सबक सिखाने के लिए उसको डराना शुरू कर दिया। तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? आए चुड़ैल, हे भगवान मुझे बचा ले, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अबे गोंचू, क्या तुझे चुड़ैल नहीं दिखी? अपनी जान बचानी है तो भाग। नंदू अपने गधे के ऊपर बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसको और उसके गधे दोनों को ही हवा में लटका देती है। अबे गोंचू, आज तो बुरे फंसे बेटा, अभी चुड़ैल के हाथों हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। बोलो कौन हो तुम? मैं नंदू, सबका बंधु। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे बिगाड़ रही हो? तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर से आया हूँ, अपनी दीदी और जीजा जी के घर जा रहा हूँ। कौन है तुम्हारे जीजा जी और दीदी? मेरी दीदी का नाम माला है और जीजा जी का नाम मोहन। चुड़ैल अपने भाई और भाभी का नाम सुनकर नंदू और उसके गधे को हवा से नीचे उतार देती है। नंदू वहां से भागना शुरू कर देता है। अब
आगे आगे नंदू, उसके पीछे उसका गधा घोंचू। ये तो मुझसे गलती हो गई, ये भाभी का भाई निकला, लेकिन इसकी हरकतें तो बड़ी अजीब सी थी, लेकिन मुझे इस पे नजर रखनी होगी। भागते भागते गिरते पड़ते आखिर वो किसी तरह वो मोहन और माला के घर पहुंच ही जाता है। जी जी, जीजा जी कहाँ हैं आप दोनों? मोहन और माला दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं। अरे नंदू, ये क्या हाल बना रखा है अपना? क्या कहीं से लड़कर आ रहे हो? अगर मैंने इनको उस चुड़ैल के बारे में बताया तो ये मेरा मजाक ना बनाने लग जाएं, इनसे वो बात छुपानी होगी। किस सोच में पड़ गई नंदू, कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं जीजी, ये जो मेरा गधा घोंचू है ना, इसी ने मुझे कई बार नीचे गिरा दिया, इसलिए मेरी हालत हो गई। बड़ा अजीब गधा है तुम्हारा, चलो घर के अंदर आ जाओ, खाना भी तैयार है। ये सब दूर से वो चुड़ैल देख रही थी और उसको अभी भी इस नंदू पर विश्वास नहीं हो रहा था। पता नहीं, लेकिन मुझे इस नंदू पर भरोसा नहीं हो रहा, कहीं ये मेरे भैया और भाभी के लिए कोई मुसीबत ना बन जाए, मुझे यहीं रहकर इस नंदू पर नजर रखनी होगी। चुड़ैल मोहन के घर के आसपास ही घूमती रहती है। आधी रात का समय होता है और नंदू घर से बाहर निकलता है और वहां से जाने लगता है। उसको जाते हुए वो चुड़ैल भी देख लेती है। अरे ये नंदू कहाँ जा रहा है इतनी रात को, और वो भी उसका पीछा करने लगती है। चलते चलते नंदू जंगल में पहुंच जाता है, तभी सामने से कोई परछाई आती है। ये कौन है जो नंदू के पास आ रहा है? वो एक तांत्रिक था जो नंदू से बात कर रहा था। नंदू, अब तेरा काम शुरू होता है। ठीक है बाबा। जा अपनी बहन को बंदी बनाकर ले आ जल्दी से, मैं अभी हवन जलाता हूँ, इसमें उसकी बलि देने से तेरे सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। तांत्रिक आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है, उसके हाथ में कुछ आ जाता है। ये ले, ये भी मंत्रित राख है, इसको अपनी बहन के सर पर गिरा देना, फिर वो चुपचाप तेरे पीछे चली आएगी। ठीक है बाबा। और नंदू वापस घर की तरफ चल पड़ता है और वो तांत्रिक भी अपनी तैयारी में लग जाता है। आखिर ये सब क्या कर रहे हैं? ये नंदू अपनी ही बहन की बलि क्यों देना चाहता है, और ये तांत्रिक क्या करना चाहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी चुड़ैल देखती है कि वो तांत्रिक किसी से बात कर रहा है। ये किससे बात कर रहा है? लगता है कि इसने बुरी शक्तियों को अपनी कैद में कर रखा है। जा बुरी आत्मा और उस नंदू के शरीर में प्रवेश कर जा, जिससे कि वो अपने काम में सफल होकर ही वापस लौटे, मैं जब तक बलि की तैयारी करता हूँ। एक बुरी आत्मा नंदू के पीछे पीछे जाने लगती है, चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चल देती है। लगता है इस तांत्रिक ने नंदू के शरीर पर बुरी शक्तियों से कब्जा किया है और इसको अपने इशारों पर नचा रहा है। इस तांत्रिक को तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले इस नंदू का पीछा करती हूँ, कहीं ये भाभी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो आत्मा नंदू के शरीर में प्रवेश करने ही वाली थी कि तभी चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। दुष्ट आत्मा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। चुड़ैल उस बुरी शक्ति को अपनी शक्ति से जला देती है। उसके वहां पर जलते ही दूर बैठे हुए तांत्रिक का हवन भी बुझ जाता है। ये तो अनर्थ हो गया, लगता है किसी ने मेरी इस क्रिया को विफल कर दिया है, अभी तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। तांत्रिक वहां से चला जाता है और उधर नंदू भी चुपचाप जाकर सो जाता है। लेकिन चुड़ैल इस तांत्रिक को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जा रही थी। उसको उस जगह पर कोई भी नहीं मिला, तांत्रिक वहां से जा चुका था। अरे वो तांत्रिक कहां चला गया? लगता है वो भाग गया। मेरे यहाँ रहते कोई मेरे भैया का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मोहन भैया,
आप पर कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगी।